जो कैंडिडेट पीएचडी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। पहली बात ये है कि यूजीसी रेगुलेशन 2022 आ चुकी है। ये रेगुलेशन 22 क्यों आई है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो गाइडलाइन थी, जो डायरेक्शन थी, उसके अकॉर्डिंग यूजीसी की रेगुलेशन जो है 22 फॉर पीएचडी आ चुकी है, जिसका मेन पेज एक आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि इस वीडियो में यही बताना है कि जो एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगा। तीन तरह से, तीन मोड्स उन्होंने एडमिशन के बताए हैं। फर्स्ट इज ऑल यूनिवर्सिटी शैल एडमिट पीएचडी स्टूडेंट्स टू, फर्स्ट इज नेट, यूजीसी नेट जिसे बोलते हैं, एनटीए नेट बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहां तो आपका वो क्लियर हो। दूसरा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होगा जो एनटीए के द्वारा लिया जा सकता है, अभी तक ये शुरू नहीं हुआ। तीसरा है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड एट इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज। तो इस वीडियो में मैं आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कर रही है उसके लिए आप फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हो आगे, लेकिन कंडीशन भी है। यहां पर सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो लोग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पीएचडी किसी भी डिसिप्लिन में करना चाहते हैं उनके लिए प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। अगर वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो जाएं यहां पर pupadmissions.ac.in पर, तो यहां पर मेन पेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप अगर न्यू कैंडिडेट हो, रजिस्टर्ड नहीं हुए अभी तक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, तो आपको आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहां पर क्योंकि सीधी इंफॉर्मेशन पीएचडी की आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगी कि न्यू कोर्सेज या पीएचडी कब स्टार्ट हो चुकी है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की, तो ये रहा पीएचडी फॉर्म नंबर 14। आपने फॉर्म नंबर 14 फिल करना है, ये रहा नीचे। इसके अलावा जो कैंडिडेट और कोई फॉर्म इंटरेस्ट है, एरिया और कोई है, तो वो फिल कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं पीएचडी जो परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो फॉर्म नंबर 14 यहां पर होगा, ये यहां क्लिक कर दिया। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन आपकी शुरू हो गई है पीएचडी फॉर्म नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। अपने कैटेगरी क्लिक करनी है, अपना नेम जो एग्जैक्ट 10th में सर्टिफिकेट्स में चलता है वो फिल करना है, उसके आगे मिस्टर मिसेज एक्सेट्रा कुछ नहीं लगाना। उसके बाद आपके फादर्स नेम, इसके आगे भी मिस्टर मिसेज कुछ नहीं लगाना। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, बर्थडे डेट यहां से, मंथ यहां से, और बर्थ ईयर यहां से। ईमेल आईडी आपने अपनी रजिस्टर्ड होना है उसके लिए आपकी आईडी चाहिए। ओके, मोबाइल नंबर होगा, यहां पर मैं फिल करके नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब की तरफ से ये क्राइम माना जाता है अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हो। ठीक, उसके बाद आप ये इसके फीस सबमिट होगी ऑनलाइन मोड के जरिए हो जाएगी, वो शायद आपको पता ही होगा जो भी ऑनलाइन मोड चलते हैं। 2000 फीस है जनरल कैटेगरी की, तो आप फीस पे करके उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो नहीं आएगा, तो आपको यूजर नेम और आईडी मिल जाएगा, वो यूनिक होगा और इस फॉर्म से ही जनरेट होगा, आपके पास अपनी ऑप्शन नहीं है रखने की, तो आप अपनी डायरी पर उसको काइंडली नोट कर लीजिए, मिस हो जाता है। तो उसके बाद आप कंप्लीट करने के बाद नेचुरली है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप यहां से भी जा सकते हो, अपनी जो पेमेंट है उसका स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, पासवर्ड फॉरगेट है, भूल गया तो रीजनरेट कर सकते हो। अप्लाई फॉर एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर फिर एप्लीकेशन फॉर्म निकल आएगा, ये आपका क्या क्या काम हो चुका है, आपकी जब फीस पे हो चुकी है प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन में पासवर्ड आईडी मिल चुका है, फीस पे हो चुकी है, उसके बाद का प्रोसीजर है। फिर आपने सारी इंफॉर्मेशन यूजर आईडी फिल करके और अपना पासवर्ड फिल करके नेक्स्ट फॉर्म निकलेगा, तो फिर आप जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपकी क्वालिफिकेशन है जो पीएचडी करने के लिए जरूरी चाहिए वो फिल कर सकते हो। देन
जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो फोटो को अपलोड करने की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी फोटो जो है 20 KB से ज्यादा हो उसका साइज, तो उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए आप ऑनलाइन उसको रीसाइज कर सकते हो। ये मैंने क्या किया है, यहाँ गूगल पर फिल किया है, ये मैंने गूगल पर फिल किया है ऑनलाइन फोटो रीसाइजर और इस पे एंटर किया। एंटर करने के बाद ये मेरे पास ये ऑप्शन आई, मैंने इस पहली ऑप्शन को क्लिक किया और फोटो रीसाइजर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ लिखा है कि सेलेक्ट इमेज, जो इमेज आप रीसाइज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। ये रहा, मैंने क्लिक किया और ये फोटो मान लीजिए मैं इसका साइज रिड्यूस करना चाहता हूँ, तो यहाँ क्लिक किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे राइट पर ओपन लिखा है, ये ओपन क्लिक किया। ओके, तो ये फोटो जो रीसाइजर है उसमें पहुंच गई है, ये रही आपकी फोटो। अब आपने ये देखना है कि आपने कितनी रिड्यूस करनी है, इसके लिए थोड़ा सा डाउन जाएंगे, यहां से ये डाउन गए, यहां पर ऑप्शन आ गई है आपके पास कि आपने दो ऑप्शन है, एक तो कितने परसेंट रिड्यूस करना चाहते हो और दूसरी ऑप्शन है कितने पिक्सल आप चाहते हो। अगर तो आप मान लीजिए 70% है, 50% है, 20% है, जितनी भी है आप यहाँ फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फिल करके सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने जो मेरा साइज था उसको 50% करना है, तो आप वहाँ 50 फिल कर दोगे, है ना, विड्थ हाइट आ जाएगी। अगर आप पिक्सल के मुताबिक करना चाहते हो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और फिर पिक्सल को सिलेक्ट कर लोगे और पिक्सल देख लीजिए कितने आपने रिड्यूस करने हैं इसके मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 200 फिल कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड जो है हाइट भी उसकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये फाइनल करने के बाद यहाँ रीसाइज लिखा है, इसको क्लिक करोगे तो आपका काम हो गया। क्या हो गया कि फोटो जो है रीसाइज होके यहाँ पर आ गई। यहाँ डाउनलोड JPG लिखा है, ये एरो डाउनवर्ड बना है, इसको क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप पर ये आ गई फोटो। यहाँ पर इसको करोगे आप शो इन फोल्डर, ओके, यहाँ पर ये आपकी फोटो रीसाइज होके आ गई। तो यहाँ से आपने उठा के जो फोटो है अपनी अपलोड कर देनी है फॉर्म पर। उससे पहले आप चेक कर सकते हो, इसी फोटो को क्लिक करके राइट क्लिक है, यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज, तो उससे पता चल जाएगा, प्रॉपर्टीज को क्लिक कीजिए, ये पता चल जाएगा कि आपकी फोटो का साइज कितना हो गया है। यहाँ पर ये देखिए कि साइज यहाँ पर है 13.1 KB, ओके, तो नीचे है 16 KB, तो ये 20 KB से कम हो गया है। अब ये आपकी फोटो अपलोड इजीली हो सकती है। लॉक कर दें। एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का इंक्वायरी का नंबर आपको रखना चाहिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है कि लास्ट डेट या कोई डेट, एग्जाम की डेट या कोई चेंज होता है, कई बार वो यहां से नहीं पता चलता, लेकिन वो यही कहेंगे कि आप वेबसाइट चेक करते रहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो लैंडलाइन फोन इंक्वायरी है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का 513-6522, इसके आगे आप कोड पटियाला का लगा लें तो इससे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कई PhD के कैंडिडेट्स मुझे जानते हैं जो मिस कर जाते हैं, दैट इज वाई ये गाइड कर रहा हूँ। PhD के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन A से लेके Z तक, Z की पूंछ तक अगर लेनी है तो अवेलेबल हो, दैट इज ऑल। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।